मंगल ग्रह हमारे सौरमंडल का अनोखा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से हम सब जानते हैं क्योंकि इसकी सतह लाल रंग की है, लेकिन कई बातों में यह ग्रह हमारे लिए बेहद जरूरी है। हमारे इस ब्रह्मांड में अब तक के ज्ञात ग्रहों की खोजों में मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर भविष्य में हम रहने वाले हैं। आखिर ऐसी क्या खासियत है इस ग्रह की जो इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाती है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम मंगल ग्रह को समझते हैं। सौरमंडल में हमारे करीब बुध ग्रह और शुक्र ग्रह भी है, लेकिन हम अपना काम बुध और शुक्र ग्रह से नहीं चला सकते। बुध जो कि सूर्य के काफी करीब है, शुक्र जो कि बहुत ज्यादा गर्म है, और हमारे करीब केवल मंगल ही है जो स्थलीय ग्रह है जहाँ पर हम अपने भविष्य में मिशन कर सकते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह सौरमंडल का चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह सूर्य से करीब न्यूनतम 20,66,83,000 किलोमीटर तथा अधिकतम 24,92,13,000 किलोमीटर की दूरी पर है। मंगल ग्रह पृथ्वी से न्यूनतम 5.5 करोड़ की किलोमीटर की दूरी व अधिकतम 34.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। एवरेज डिस्टेंस की बात करें तो यह हमसे 22.79 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह अधिकतम और न्यूनतम दूरियां जो मैंने बताई है वो उपसौर यानी अफेलियन और अपसौर यानी पेरिहेलियन के हिसाब से होती है। मंगल ग्रह एक टेरेस्ट्रियल प्लेनेट यानी स्थलीय ग्रह है जिसकी जमीन उबड़ खाबड़ है और इस पर जमीन के साथ साथ पर्वत, पठार और ज्वालामुखी भी शामिल है। यहाँ का ओलंपस पर्वत और ज्वालामुखी सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इसकी सरफेस पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह ग्रह लाल रंग का दिखाई पड़ता है। पृथ्वी के जैसे मंगल ग्रह भी क्रस्ट, मेंटल और कोर तीन परतों से मिलकर बना है। इसकी त्रिज्या 3,389.5 किलोमीटर की है जो कि पृथ्वी की आधी और चांद से दोगुनी है। अतः यह हमारे दो चांद के बराबर का है। मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी के मुकाबले कम है। इसकी स्केप वेलोसिटी भी 5 किलोमीटर की ही है और पृथ्वी पर यह स्केप वेलोसिटी 11 किलोमीटर की है, जबकि ये तो 5 ही है। अगर मंगल ग्रह पर कोई 100 किलो का पृथ्वीवासी चला जाता है तो वहाँ उसका वजन 40 किलो ही रह जाता है। इसके आकाश में हमें दो चांद दिखाई पड़ते हैं, फोबोस और डीमोस, जो छोटे आकार के और अनियमित तरह के हैं। मंगल ग्रह पर एक साल 687 दिनों का होता है जो कि पृथ्वी के करीबन 2 साल के बराबर है। यह अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकेंड लगाता है जो कि पृथ्वी के लगभग समान ही है, और अपने अक्ष पर 25.19 डिग्री के अंश पर यह झुका हुआ है। जैसे यहाँ मौसम बदलते हैं लेकिन बारिश नहीं होती है क्योंकि इसकी सतह के अंदर अभी उतना पानी नहीं पाया गया है कि बारिश हो जाए। लेकिन मंगल ग्रह का यह थोड़ा सा पानी गर्मियों के मौसम में भाप बनकर उड़ के बाद में मंगल ग्रह को सर्दियों का मौसम अनुभव कराता है। अब हम बात करते हैं इसके एटमोस्फेयर की, तो इसके एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि 95% से भी ज्यादा है। अन्य गैसें भी यहाँ पर है जो कि पृथ्वी पर जैसे होती है नाइट्रोजन, आर्गन वगैरह, और ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर 0.14% है, इसलिए यहाँ जीवन की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन सूक्ष्म जीवों के होने की संभावना है। कई मानव रहित यान इसकी सतह पर भेजे भी गए हैं और इसके ऊपर मिशन भी किए गए हैं, जिनमें से मेरिनर 4 मंगल पर जाने वाला पहला यान था जिसे नासा द्वारा 28 नवंबर 1964 को लॉन्च किया गया था, और हमारे भारत से भी दुनिया में सबसे पहली बार में पहुंचने वाला मंगल यान लॉन्च किया गया था जिससे भारत ने एक रिकॉर्ड कायम किया। मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला नवीनतम अंतरिक्ष यान CNS-93-1 लैंडर और जुरोंग रोवर है जिसे चीन ने 14 मई 2021 को सफलतापूर्वक मंगल पर उतारा। अमेरिका के बाद
मंगल पर यान उतारने वाला चीन दुनिया का दूसरा देश बन गया है। और हाल ही के समय में एलोन मस्क इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने के लिए अनुसंधान में लगे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मंगल ग्रह पर कुछ तो खास बात है जो इसे इतना ज़्यादा अनोखा बनाती है।